हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार आंदोलन से बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है। रेट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बेरोजगार अब उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। बुधवार को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के 50 पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे, जहाँ वह कांग्रेस के आला नेताओं की रैली में विरोध की रणनीति बनाएंगे। इसी दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा है कि 27 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार बेरोजगारों की मांगों को ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में राजस्थान के बेरोजगार अब उत्तर प्रदेश में महापड़ाव डालेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार भी करेंगे। उपेन्द्र ने कहा है कि 1000 से ज्यादा बेरोजगार 24 नवंबर को प्रियंका गांधी की रैली में विरोध करने पहुंचेंगे, ताकि राजस्थान सरकार की कारगुजारी का कांग्रेस के आला नेताओं को भी पता चल सके। उपेन्द्र ने कहा है कि महेश जोशी ने झूठे बोल बोलकर मेरा अनशन तोड़वाया था, जबकि रेट भर्ती परीक्षा में भी धांधली के आरोपियों को पुलिस अब पकड़ नहीं पाई है, लेकिन सरकार के आनन फानन में रिजल्ट जारी कर दिया है। जबकि जिन लोगों तक फर्जी तरीके से पेपर पहुंचा था उनकी मान्यता निरस्त कर उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस पूरे प्रकरण में खाना पूर्ति कर वाहवाही लूटना चाह रही है, जिसे प्रदेश के बेरोजगार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार आंदोलन से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज़ नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।